नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, सीएम आवास पर होगी बैठक। ये अहम बैठक जो है सीएम आवास पर की जाएगी। कई प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा। जोशीमठ प्रभावितों के लिए तय हो सकता है मुआवजा। तो बड़ी जानकारी, जोशीमठ के प्रभावितों के लिए मुआवजा तय हो सकता है। जमीनों के नए सर्किल रेट पर भी प्रस्ताव संभव। प्राधिकरणों के दायरे को बढ़ाने समेत एक दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो बड़ी जानकारी, जोशीमठ के प्रभावितों के लिए मुआवजा तय हो सकता है। जमीनों पर नए सर्किल रेट पर भी प्रस्ताव हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं कि जोशीमठ में जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं उनको मुआवजा भी दिया जा सकता है। आज जो है मीटिंग है, इसके तहत कई अहम मुद्दों पे जो है वो बैठक होनी है। कैबिनेट की अहम बैठक है आज। कई प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। सीएम आवास पर ये बैठक होगी। तो बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बैठक सीएम आवास पर होगी। कई प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। और इसी के साथ इस बैठक में जोशीमठ में जितने भी लोगों के घर में दरारें आई हैं उन सबको, प्रभावितों को जो है मुआवजा देने का भी प्रस्ताव जो है इसमें पास किया जा सकता है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जमीनों के नए सर्किल रेट पर भी प्रस्ताव संभव है। बड़ी खबर आपके साथ इंडिया वॉइस पे कि आज जो बैठक होनी है वो बैठक काफ़ी अहम होनी है। इसमें कई प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ कि जोशीमठ में जितने भी घरों में दरार आए थे उन पे, जो भी लोगों के नुकसान हुए थे उन पे भी मुआवजे जो है वो दिए जा सकते हैं। इसी खबर पे सौरभ वाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या अपडेट है इस मीटिंग को लेकर? किन किन मुद्दों पर प्रस्ताव लाया जा सकता है और चर्चा होगी? देखिए, कैबिनेट की बैठक जो है शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें बकायदा जोशीमठ को लेकर जो सरकार की गंभीरता है वो दिखाई भी दे रही है। बकायदा जो मुआवजा राशि है उसकी घोषणा आज जो है की जा सकती है बैठक में, इस पर मोहर लग सकती है। इसके साथ ही जो कारागार नियमावली है इस पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा आबकारी नीति में जो है आज नई आबकारी नीति राज्य में जो लागू होनी है उसका जो है बकायदा उसकी तैयारी थी वो आज इसमें आ सकती है। इसके अलावा तमाम जो विभागों की जो नियमावली है जो अधर में लटकी हुई थी उन तमाम नियमावलियों पर आज जो है मंथन और चर्चा के बाद उनको मंजूरी मिल सकती है जी। और कौन कौन से लोग इस बैठक में शामिल होंगे, कौन कौन से नेता जो है इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, क्या जानकारी? देखिए, कैबिनेट बैठक है, लिहाजा कैबिनेट के तमाम जो है मंत्री कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। शुरुआत में जो है सतपाल महाराज यहाँ पहुंच गए थे, सौरभ बहुगुणा जो कैबिनेट मंत्री है वो पहुंच गए थे। इसके अलावा धन सिंह रावत बैठक में मौजूद है। इसके अलावा जो है चंदन रामदास वो बैठक में जो है पहुंच चुके थे। बाकी अन्य मंत्री जो है कोई वर्चुअल जुड़ रहा है और कई लोग जो है अभी बाहर है, तो लिहाजा उनके कुछ देर में पहुंचने की संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही है जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। दूसरी खबर देहरादून के चमोली से सामने आ रही है। चमोली के जिला पंचायत अध्यक्ष पर शिकंजा कसने की तैयारी। नंदा राजजात की निविदा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद जांच की तैयारी। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार को जांच सौंपने की तैयारी की जा रही है। 2012-13 में नंदा राजजात यात्रा में से पूर्व हुए थे। कई टेंडर विभाग ने सीएम कार्यालय तक अनुमोदन के लिए भेजी फाइलें। सीएम का अनुमोदन मिलने के बाद जांच शुरू होगी। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम का अनुमोदन मिलने के बाद जांच जो है वो शुरू होगी। आपको बता दें कि 2012-13 में नंदा राजजात यात्रा में पूर्व हुए थे कई टेंडर। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि सीएम कार्यालय तक अनुमोदन पहुंचने के बाद जो है वो जांच शुरू होगी। तो हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। क्या जानकारी है सौरभ, क्योंकि देखिए अनुमोदन के बाद ये जो फाइलें हैं ये पहुंची जाएगी, उसके बाद सीएम जो है जांच शुरू होगी उसकी? बिल्कुल, देखिए जांच को जो है मंजूरी तब मिलेगी जब मुख्यमंत्री जो है इस पर अपना अनुमोदन जारी कर देंगे। आपको बता दें कि नंदा राज यात्रा के दौरान तमाम जो जिला पंचायत के द्वारा टेंडर किए गए थे उसमें वित्तीय अनियमितताओं की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर अब जो है तैयारी की जा रही है। गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में
एक कमेटी बनाई जाए जिसमें जो है इनकी जांच हो। पहले भी आपको बता दूं कि एक मामले में बकायदा विभाग के द्वारा इनको बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट जाने के बाद जो है रजनी भंडारी को एक राहत मिली थी, जिसके बाद जो पुनः जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे काबिज हो सके। एक बार फिर जो है बड़ी जांच खुलने जा रही है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक है इलाके के, उन्हीं की ये पत्नी है राजेंद्र भंडारी की, रजनी भंडारी। अब जो है सरकार की तरफ से जब जांच होगी तो जाहिर सी बात है कि इनके तमाम वित्तीय अधिकार फिर से सीज कर दिए जाएंगे और एक बार फिर जो है इन्हें कोर्ट की शरण ले ली जा सकती है। जी, गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार को ये जांच सौंपी जाएगी, क्या कुछ वो कर पाएंगे इसमें? क्योंकि देखिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि 2012-13 में ही नंदा राजा यात्रा से पूर्व हुए थे ये टेंडर। देखिए, क्योंकि ये दूसरा कार्यकाल है, लिहाजा जो है इनके पहले कार्यकाल की बात थी जब जो है ये टेंडर किए गए थे बकायदा। अभी जो है उनका नाम जो है चयनित नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उनको अभी जांच दी जा सकती है। जब तक सीएम का अनुमोदन नहीं होता तब तक जो है फिलहाल जांच को लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि और किन किन तथ्यों पर जांच होगी। फिलहाल जो नंदा राज यात्रा से जुड़े हुए तमाम टेंडरों को लेकर जो अभी इसमें जाँच की जाएगी। जी जी आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर में भी आपका हम रुख करेंगे। उत्तराखंड की महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को एससी में चुनौती मिली है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से 6 सप्ताह में मांगा जवाब। मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की गई है। वकील ने कहा राज्य को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, 4 जुलाई तक की तारीख जो है वो तय की गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को एचसी में चुनौती दी गई है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट सरकार ने 6 हफ्ते में जवाब मांगा है सरकार से। तो बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड की महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को जो है हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। तो बड़ी जानकारी इंडिया वॉइस पे कि सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई की तय की गई है। इसी के साथ वकील ने कहा कि राज्य को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो है, इसी खबर पे सौरभ वाटी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सौरभ, क्या है ये खबर? क्योंकि देखिए अब हाईकोर्ट में भी इसको चुनौती मिल चुकी है, 6 सप्ताह में जवाब मांगा है सरकार से। बिल्कुल, देखिए ये पीसीएस की परीक्षा का मामला था जिसमें राज्य की महिलाओं को 30% जो है क्षतिज आरक्षण दिए जाने की बात सामने आ रही थी, जिसकी पीछे सामने आई है बकायदा उत्तर प्रदेश की जो अभ्यर्थी के द्वारा ये मामला बकायदा कोर्ट में दायर किया गया, जिसके बाद अब जो है कोर्ट के द्वारा इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी जो रिजल्ट होंगे अभी फिलहाल जो है कोर्ट में, जब तक ये मामला लंबित होगा तब तक कोई भी जारी नहीं किया जाएगा। इसको लेकर बकायदा जो है सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा जा रहा है, जिसकी इंतजारी हुई सरकार के पक्ष के बाद जो है आगे की जानकारियां जो है दुरुस्त हो पाएंगी। जी, वकील की तरफ से कहा गया है कि राज्य को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है, आखिर ऐसा क्यों कहा गया है वकील की तरफ से? देखिए, क्योंकि पीसीएस की परीक्षा होती है तो पूरे देश भर से लोग जो है उस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, लिहाजा जो है जब राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण उस परीक्षा में दिया जाएगा जिसमें देश की तमाम महिलाएं और तमाम जो लोग शिरकत करते हैं, प्रतिभाग करते हैं, ऐसे में उन लोगों के द्वारा ये मामला जरूर उठाया गया कि राज्य में ऐसी परंपरा लागू नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे राज्यों की महिलाओं का सिलेक्शन ना हो सके। इन तमाम चीजों को उन्होंने तथ्य बनाते हुए बकायदा कोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सरकार से पक्ष रखने के लिए कहा, जवाब दाखिल होगा उसके बाद आगे की जानकारियां बेहतर पता लग पाएंगे कि आखिरकार अब सरकार इसमें क्या जो है दलील देती है। जी जी, अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी, यानी कि 4 जुलाई के करीब। तो क्या लगता है कि उस सुनवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है? देखिए, अभी क्योंकि कोर्ट ने सरकार से जवाब जो है इस पर दाखिल करने के लिए कहा है, जब सरकार जवाब दाखिल कर लेती है, हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जैसे ही जो है सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आता है तब जो ज्यादा बताया जा सकता है कि आखिरकार सरकार जो इस पर किस तरीके की दलील अपनी रखने जा रही है। क्योंकि महिलाओं के क्षतिज आरक्षण को लेकर पहले ही सरकार अपने यहाँ से घोषणा कर चुकी है, तमाम सरकारी नौकरियों में महिलाओं को जो है 30% का क्षतिज आरक्षण दिया जाएगा। आज कैबिनेट में भी इस पर जो चर्चा होनी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सौरभ। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 6 सप्ताह में जो है सरकार से जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने। मामले की सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
उत्तराखंड में किसानों को बड़ी राहत देने के लिए डेयरी विकास विभाग ने एक नई योजना प्रस्तावित की है, जिसके तहत न केवल पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकेगा बल्कि किसानों को भी खेतों में ही फसल पर अतिरिक्त लाभ दिया जा सकेगा। दरअसल अब किसानों को उनके खेतों पर ही गेहूं की कटाई के साथ ही भूसा बेचने की सहूलियत भी मिलने जा रही है। इसके लिए विभाग की तरफ से करीब 22 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव केंद्र को दिया गया है। बीती 9 फरवरी को गांधी पार्क के पास धरना प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव की घटना को लेकर थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस टीम की ओर से अब तक घटना में शामिल 10 पत्थरबाजों को चिन्हित किया गया है। साथ ही पथराव करने वाले उपद्रवियों को आर्थिक मदद देने वाले एक संदिग्ध खाते को भी फ्रीज कर दिया गया है। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि दिनांक 9 फरवरी को जो घटना घटी है उसमें जो पत्थरबाज थे लड़के, उनका हम चिन्हीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में जो षड्यंत्रकारी हैं, जैसे इस घटना को वित्तीय पोषण करने वाले, सोशल मीडिया में जो भ्रामक तरीके से अफवाह को फैला रहे हैं, तीसरा जो बच्चों को इंस्टिगेट कर रहे हैं गलत काम करने के लिए, इन सभी षड्यंत्रकारियों को हम चिन्हीगणी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि कृपा करके अगर कोई इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है वो ऐसे गलत काम न करें और पुलिस विभाग इन सभी प्रकार के लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करने जा रहे हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल वनों में लगने वाले आग से खत्म हो जाते हैं। ऐसे में गर्मी आते ही वन विभाग के लिए चुनौतियां बढ़ जाती है, लेकिन इस बार फॉरेस्ट फायर सीजन को देखते हुए वन विभाग पुख्ता तैयारियों के दावे कर रहा है। जी हाँ, प्रदेश के प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु ने कहा है कि इस बार पूरी तरीके से वन विभाग तैयार है। सभी क्षेत्रों की लगातार गश्ती की जा रही है, साथ ही आग से जंगलों और जंगली जानवरों को नुकसान ना हो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी से हम लोग सचेत हैं, जिलाधिकारियों को स्पष्ट रूप से शासन के स्तर से निर्देश दिए गए हैं। और मैं यहाँ यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें केवल ऐसा नहीं कि वन विभाग के स्तर से, इसमें वन विभाग के स्तर से, जिलाधिकारियों के स्तर से माननीय वन मंत्री जी के स्तर से, और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी इसकी लगातार समीक्षा की जाती रही है। और हाँ, निश्चित रूप से हम प्रभावित रहे हैं वनाग्नि से। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकें, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर आज दिल्ली में पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड के प्रदेश संगठन की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संजीत पात्रा ने ली। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर विचार विमर्श किया गया। पार्टी के संगठन को प्रदेश स्तर पर और मजबूत करने के लिए विचार विमर्श हुआ और कार्यकर्ताओं को अभी से ही जमीनी स्तर पर चुनाव के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए गए। पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर आज दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन डॉक्टर संदीप पाठक ने उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेकर के अब तक जो संगठन की गतिविधियां रहे उनकी समीक्षा करने के साथ साथ भविष्य की रणनीति पर बात करेंगे। जो निकाय चुनाव उत्तराखंड में 2023 नवम्बर में होने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे। महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आ रहा है और कांवड़ियों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी आते हुए भीड़ को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है और वहीं यातायात पर भी नजर रखते हुए रूट डाइवर्ट का प्लान लागू कर दिया गया है। बता दें कि जिलाधिकारी ने आज मौके पर पहुंचकर कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखिए, शंकराचार्य चौक आपको पता है कि ये नेशनल हाईवे जो दिल्ली की तरफ से आता है उसका एंट्री पॉइंट है ये हरिद्वार का। तो यहाँ पर मैंने भी निरीक्षण किया, यहाँ काफ़ी स्थिति ख़राब है।
तो HRDO को मैंने डायरेक्शन दे दिया है कि एक महीने के अंदर यहाँ बड़ी खूबसूरत सी लैंडस्केपिंग देखने को मिलेगी, और ताकि हरिद्वार में एंटर करने वाले व्यक्ति को एहसास हो कि एक अच्छे शहर में आए हुए हैं वो। इसके अलावा इसमें आपको पता है कि कांवड़ का भी समय चल रहा है, और ये इसको हम मिनी कांवड़ का नाम दे सकते हैं। उसमें खास कर से नजीब बाबा बिजनौर की तरफ से बड़ी संख्या में कांवड़िए आ रहे हैं, तो आज उनका भी पूरा मैं निरीक्षण करने जा रहा हूँ कि घाटों पर क्या स्थिति है और पार्किंग की क्या स्थिति है, लाइट की क्या स्थिति है, उसी सिलसिले में पूरी टीम के साथ में वहाँ का भी निरीक्षण। देखिए, कांवड़ को लेके हमारी बिजनौर से भी बात हुई थी, और बिजनौर से हम लोगों का लगभग हर एक घंटे पे टाई अप चल रहा है। वहाँ से हैवी व्हीकल को डाइवर्ट किया गया है जो लक्सर होते हुए आ रहा है, और यहाँ से जो भी हैवी व्हीकल नजीबाबाद बिजनौर साइड जाना है उसको लक्सर होते ही डाइवर्ट किया गया है। जो हमारी कांवड़ पटरी है चंडी चौक से लेके चिड़ियापुर तक, उस पर हैवी व्हीकल का मूवमेंट पूरी तरह से रोक दिया गया है, और ज़रूरत पड़ने पे जो हमारे हल्के वाहन हैं इनका भी डाइवर्जन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हल्के वाहन को डाइवर्ट नहीं किया गया क्योंकि वहाँ से चलाया जा सकता है। खबर लक्सर से है, जहां दो जगह चाइनीज मांझे के कारण दो बड़े हादसे हो गए। उनके चपेट में आने से एक बीएसएफ जवान सहित दो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला हादसा दाबकी गांव निवासी शिव कुमार के साथ हुआ, और दूसरा हादसा खंडजा कुतुबपुर निवासी बीएसएफ जवान कुलदीप घायल हुआ है। दोनों ही बाइक से जा रहे थे जब यह हादसा हुआ। घायल ग्रामीण कुलदीप को चिकित्सक ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है, जबकि शिव कुमार को लक्सर के निजी अस्पताल में उपचार के लिए घर भेज दिया है। उपचार के बाद घर भेज दिया है। से अपील की जा रही है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि चाइनीज मांझा जीवन के लिए संकटमय है, लोगों को समस्याएं कारित कर सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन जो लोग इतनी सारी अपीलों के बावजूद भी नहीं सुधरेंगे उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, क्योंकि अब अनुनय विनय की स्थिति से आगे हटके विधिक कार्रवाई का समय आ चुका है। जागरूकता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। कुछ जो व्यवसायी इस तरह के चाइनीज मांझों की बिक्री में लगे हुए थे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन अब जो उपयोग करता है, जो कुछ भी ऐसे चाइनीज मांझे का उपयोग करता हुआ मिलेगा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रामनगर के कॉबर्ट लैंडस्केप में वाइल्ड लाइफ पर्यटन को बचाने की वकालत शुरू हुई, जिसे लेकर मशहूर ऑथर बुक बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऑथर मिस कैरोल इंस्किप इन दिनों कॉबर्ट के भ्रमण पर है। कॉबर्ट के एक रिजॉर्ट गोल्डन टस्क में पक्षी प्रेमियों से रूबरू हुई। मिस कैरोल इंस्किप की किताब बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भारत ने पक्षी विशेष बोर्ड वाचिव कराते हैं। देहरादून में वार्षिक गृह परीक्षाओं के कार्यक्रम में फिर संशोधन किया गया है। विभाग की ओर से कक्षा 6, 7, 8, 9 और कक्षा 11वीं के लिए 27 फरवरी से वार्षिक गृह परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया है, जो कि 10 मार्च तक चलेगा। तो 27 फरवरी से 10 मार्च तक वार्षिक परीक्षा चलेगी। आपको बता दें, कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11वीं के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि परीक्षा कार्यक्रम में फिर से संशोधन किया गया है। तो 27 फरवरी से 10 मार्च तक ये परीक्षा चलेगी। कक्षा 6, 7, 8, 9, 11वीं के लिए परीक्षा कार्यक्रम किया गया है। 10 मार्च तक ये परीक्षा चलेगा। ये लास्ट ईयर की परीक्षा है। आपको बता दें कि ये फाइनल परीक्षा है जो कि चलेगा। गृह परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया जाएगा 27 फरवरी से, और ये 10 मार्च तक चलेगा। बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब एक बार फिर विधानसभा भर्ती का मामला सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। जहां पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के द्वारा पैसे लेकर विधानसभा में नियुक्ति दिए जाने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद सरकार भी मामले को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। अब दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
विधानसभा बैकडोर भर्ती का जीना भी बोतल में बंद होने को तैयार नहीं है, जिसके चलते सरकार को काहे बगाहे विपक्ष के निशाने पर आती जा रही है। अब एक बार फिर से उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज दबीज सिंगारी को अपने बयानों के जरिए हवा दे सियासी तपिश पैदा कर रहे हैं। तभी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सख्त रुख अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा ये कि मामला गंभीर है और कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा, क्योंकि विधानसभा बैकडोर भर्ती को लेकर अभी भी कोर्ट में सुनवाई जारी है। ऐसे में सीएम का तर्क है कि सुनवाई पूरी होने के बाद ही आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जो विधानसभा में भर्ती हुई थी उसकी अगर जांच होए तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है, पैसे का लेन देन का आरोप लगाया सर। देखिए उस पर चूंकि पहले ही भर्तियां निरस्त हो गई हैं और अब माननीय न्यायालय में है, इसलिए मैं समझता हूं कि एक तरह से वो मामला बहुत पहले ही माननीय न्यायालय के अधीन होकर चल रहा है, उस पर कोई भी कमेंट करना मैं बहुत ज्यादा वो नहीं समझता। वही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हों या फिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, वो सीएम के बयान पर पलटवार कर रहे हैं और बार ये कि सरकार क्यों नहीं ऐसे मामलों पर सीबीआई जांच करवा देती, जिससे विधानसभा बैकडोर भर्ती की हकीकत सबके सामने आ जाए। देखिए जिनके कार्यकाल में नियुक्तियां हुई है उनसे जांच पड़ताल करें ना, उसके सीबीआई उसकी भी इंक्वायरी करा लें, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो सैद्धांतिक बात है उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कह रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधानसभा में जो भर्तियां हुई है उसके लिए कोटिया कमेटी का गठन किया गया है और कोटिया कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है उसमें सीधे सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से कहा है कि 2000 से 2022 तक जो नियुक्तियां हुई हैं वो नियुक्तियां अवैधानिक है और इन नियुक्तियों में विधानसभा की जो नियमावली है उसका उल्लंघन हुआ है, संविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन हुआ है, इन भर्तियों में एलिजिबिलिटी का उल्लंघन हुआ है, आरक्षण का उल्लंघन हुआ है और इसलिए हम कह रहे हैं कि तदर्थ वालों को जो है विधानसभा अध्यक्ष जी ने और सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। कुल मिलाकर विधानसभा भर्ती मामले पर भले ही अभी 200 से ज्यादा लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो, लेकिन उन पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब किस तरह देती है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।